लगा हुआ है दोस्तों लॉन्चर, देख सकते हैं ये तो ये दुबई डिपो के लिए जा रहा है। ये जो गाटर रखे हुए हैं और देखिए कुछ इस तरीके से ये चिपकाया जा रहा है लॉन्चर द्वारा। देखिए ये चीज़ ऐसे चिपकाए जा रहे हैं ये, और ये आ रही है गाजियाबाद की साइड से, ये गाजियाबाद की साइड से आ रहा है गाइस। देखिए आप लोग देखिए कि ये किस तरीके से ये चिपकाया जा रहा है और कैसे ये बनाया जा रहा है गाइस। ये दुबई डिपो के लिए चला जाता और ये ईस्टर्न पेरिफेरल आ जाता है, इस पर हम चढ़ जाएंगे। देख सही कुंडली मानेश्वर जयपुर इधर निकल जाएगा ये, इस पर चल रहा है अभी फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग की जा रही है गाइस। कहीं कहीं कंप्लीट हो गया, कहीं कहीं बाकी अभी। और देख सकते हैं ये क्रेन मशीन कितनी भारी भरकम क्रेन मशीन है गाइस, ये देख सकते हैं तस्वीरें है। ये तो जा रहा है दुबई डिपो के लिए और ये जा रही है तुम्हारी मेरठ के लिए। तो इस पे ईस्टर्न पेरिफेरल पे ये बनाया गया है ब्रिज, स्टील की मदद से बनाया गया है और ये गाटर चिपकाए जाते हैं। देख सकते हैं ये थ्रेड है चिपकाने का, जो चिपकाया जाता है उठाया जाता है गाइस। ये देख सकते हैं तस्वीरें, देख सकते हैं दोस्तों ये है कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल, और अगर हमें नोएडा जाना है पलवल जाना है तो हम देखिए इधर से हो जाएंगे। ये जो कट दे रखा है, ये जो कट दे रखे हैं, ये चले जाएंगे ग्रेटर नोएडा दादरी बुलंदशहर के लिए पलवल के लिए, यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। ये देख सकते हैं ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है ऊपर के लिए चढ़ रही हैं, और ये लॉन्चर है भारी का भरकम जो उतार दिया गया है, और अब इसको एक एक पार्ट करके ये खोला जा रहा है इसका। ये देख सकते हैं तस्वीरें कि इस पर अभी एक लॉन्चर और लगा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं मुरादनगर के लिए आज, हम मुरादनगर का पूरा आपको अपडेट देते हैं। और देखिए इधर क्योंकि अभी ये एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा गया है, तो इस वजह से इस पर अभी कुछ वर्क नहीं हुआ है गाइस। जो भी वर्क हुआ है वो हुआ है दुबई डिपो से लेकर और साहिबाबाद तक, उधर ही कंप्लीट मतलब कंप्लीट होने की कगार पर ही है। 80% काम हो चुका है, 20% बचा हुआ है अभी। और आपको बता दूं कि दुबई के बाद में ये मेरठ तक ये अभी इस पर ज़्यादा वर्क नहीं हो पाया है। कहीं इस पर पिलर जोड़े जा रहे हैं, कहीं पिलर खड़े किए जा रहे हैं, कहीं इस पर भरे जा रहे हैं, कहीं लॉन्चर द्वारा इस पर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है गाइस। तभी यही प्रोसेसिंग चल रही है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी नहीं लगे हैं, क्योंकि अभी लॉन्चर द्वारा ये जोड़े गए हैं अभी रिसेंटली में ही, क्योंकि एक महीने से तो मैं ही आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आज मुरादनगर का सफ़र तय करते हैं कि मुरादनगर तक कितना कुछ काम हो चुका है, कहाँ कहाँ बाकी बचा है, वो सब कुछ आपको बताने की और दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ में आप सभी। यहाँ पर देख सकते हैं बीच के डिवाइडर पे ये लगा दिए गए हैं, फिर इनमें मिट्टी भरना बाकी रह गया और मिट्टी भर जाने के बाद में फिर इस पे पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे गाइस। ये बीच के डिवाइडर पे देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं अभी इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे नहीं लगे हैं ऊपर और न ही इस पर पटरियाँ बिछी हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर दो दो लॉन्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, देख सकते हैं दो दो लॉन्चर, एक उधर से एक इधर से।
देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, दो दो लॉन्चर देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपको बता दूं कि मुरादनगर और दुहाई के बीच में है। तभी काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग है यहाँ का। मतलब हम मुरादनगर में ही है ये, ऐसा समझो कि मुरादनगर स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, जहाँ पर ये दो दो लॉन्चर लगे हुए हैं। गाइस आपको बता दूँ, देख सकते हैं तस्वीरें, ये हम आ चुके हैं मुरादनगर के अंदर। अब मुरादनगर में देख सकते हैं ये स्टेशन बनाने का काम चल रहा है, और दोनों साइड में ये आर्म्स को बाहर निकालने का काम चल रहा है, और इस पर सेटरिंग भी लगी हुई है। देख सकते हैं ये आर्म्स को बाहर निकाल रहे हैं, इसमें पहले नीचे के निकाले तब ऊपर के निकाले जा रहे हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये आर्म्स को जोड़ने का काम चल रहा है। देखिए ये चल रहा है कि ऊपर वाले आर्म्स हैं वो लगाए जा रहे हैं दोनों साइड के, क्योंकि इधर तो कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं तस्वीर है। अब इस पर आपको बता दूं, देखिए ये गाटर लगा दिए गए हैं। गाटर रख जाने के बाद में फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर, और फिर इसके बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना है। अब हम बढ़ते हैं आगे के लिए, और आगे दिखाते हैं कि मुरादनगर की नहर पे कुछ कितना काम हो चुका है, वो भी आप लोग देख लीजिए तस्वीरों में। और यहां से हो जाती है ये आपकी नहर स्टार्ट हो जाती है मुरादनगर की नहर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों साइड में ये पिलर नीचे से खड़े कर दिए गए हैं। अब ये साइड में ये लेफ्ट वाले भर दिए गए हैं, देख सकते हैं तस्वीरें। राइट वाले पे अभी सेटिंग लगी हुई है, काम चल रहा है। देख सकते हैं ये साइड के, दोनों साइड के लेफ्ट के ये भरे जा रहे हैं गाइस। और इधर ये पिलर कैप का काम किया जा रहा है, पिलर कैप जोड़े जा रहे हैं। इधर देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में गाइस, ये देखिए ये सारे पिलर अब इन पे ये देख सकते हैं, इस पर ये सेटरिंग लगाई जा रही है इन पिलरों पे। और सेटरिंग लग जाने के बाद में फिर ये कंक्रीट की मदद से भरे जाएंगे, और भर जाने के बाद में गाइस इन पे आपको बता दूं क्या पिलर कैप का काम किया जाएगा। देखो जैसे ये भरे जा रहे पिलर, और आपको बता दूं देखिए ये भर दिया गया है, और ये आ जाती मुरादनगर की नहर। ये जाली लगी हुई है, ये नहर है मुरादनगर की गाइस। ये सारे पिलर यहाँ के कंप्लीट हो गए हैं, उधर के ही बचे हैं चार पांच पिलर, और फिर उन पर लॉन्चर लगाया जाएगा। और लॉन्चर लग जाने के बाद में फिर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा गाइस। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये है मुरादनगर नहर की तस्वीर है, जो कि ये मेरे लेफ्ट वाले सारे पिलर कंप्लीट हो गए हैं। इन पर पिलर कैप भी लगा दिया गया, और इन पर देख सकते हैं ये नापतौली का काम, ये लॉन्चर यहाँ पर लगाया जा रहा है गाइस। देख सकते हैं कितना भारी भरकम लॉन्चर होता है, और किस तरीके से ये लॉन्चर खड़ा किया जाता है वो आप लोग तस्वीरों से देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से। कुछ इस तरीके का यहाँ लॉन्चर ये लगाया जा रहा है, और ये देख सकते हैं फिर यहाँ से ये पहले लेफ्ट में हो गई, तो फिर ऐसे ही राइट में हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पिलर ये गाड़े जाएंगे, तो अभी यहाँ पर लगाए नहीं गए हैं पिलर, और पिलर लग जाने के बाद ये पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये लॉन्चर खड़ा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो गाजियाबाद की साइड में ही आपको कर रहे हैं, और ये हम और जैसे ही नहर क्रॉस करते हैं वैसे ही हम मोदी नगर के लिए आप चलना स्टार्ट हो गए हैं गाइस। और मोदी नगर जान देखिए हम चल रहे हैं, तो एक ही आपको लॉन्चर देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, दूसरा लॉन्चर ये आ जाता है गाइस। देख सकते हैं दूसरा लॉन्चर ये है, और यहाँ से हम हो जाएंगे।